अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। अच्छा, बाय द वे, मार्केट का अगर हम आज हल्का सा रिकैप करें, बाय द वे तो मार्केट आज का जो सेशन था, बाय द वे, वो अगेन काफ़ी बुलिश था। एक अच्छी अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है क्लोज करा। इनिशियली मार्केट में जो ओपनिंग हुई वो गैप अप हुई। उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत हमने साइडवेज एक्टिविटी देखी, अप अंटिल हमने देखा कि टीवी पे एक न्यूज़ लगी जिसमें OGPPL को जो है वो फिर से एक दफ़ा खबरें आना शुरू हो गई कि OGPPL को पेमेंट्स वगैरह मिलने वाली हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा कि OGP आज की जो मेन हाईलाइट थी वो OGPPL की एक्टिविटी थी। OG ने ऑलमोस्ट कैप पे क्लोज करा और PPL में भी एक अच्छी अपसाइड आई। तो फिलहाल आज की मेन हाईलाइट OGPPL की एक्टिविटी थी। मेनली OGPPL में ही हमने एक अच्छी अपसाइड देखी, तो उसकी उसने जो है वो इंडेक्स को टुवर्ड्स द एंड सपोर्ट करा और एक रिस्पेक्टेबल क्लोजिंग जो है वो इंडेक्स की तरफ से देखी। तो व्हाट वी आर गोना डू इन दिस वीडियो इज कि हम चार्ट्स पे भी एनालाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल ट्राई कि आपको 2 से 3 स्क्रिप्ट्स हम दे रहे हो जिसमें आप आगे आने वाले सेशंस में काम अपनी वर्किंग करके, ऑब्वियसली अपनी वर्किंग भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वो करके फिर आप इवेंचुअली पोजेशंस वगैरह ले सकें या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह ले सकें। उससे पहले आज के 50 लीपी डेटा को एनालाइज करेंगे और आज की जो मेजर न्यूजेज हैं उनको कवर अप करेंगे। तो आई गेस लेट्स मूव ऑन टू द मेजर न्यूजेस, आज के दिन की जो मेजर न्यूजेज हैं उनके ऊपर। अच्छा, आज बाय द वे हमने ये खबर सुनी कि पेट्रोलियम सेक्टर को जो है वो 1,000 अरब की पेमेंट्स मिलने की बातें चल रही थी। पावर सेक्टर को जो है वो 250 अरब की पेमेंट्स मिलने की बातें चल रही थी, जिसमें मेनली हमने ये देखा कि ओजी को 600 अरब मिलने हैं, इसमें PPL को 150 अरब मिलने हैं। मेनली ओजी को सबसे ज्यादा क्योंकि पेमेंट्स मिलनी है, तो आज ओजी में हमने प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी देखी। ऑल्दो PPL एक टाइम पे जो है वो आउट परफॉर्म करा था ओजी को, पर हम जैसे ही खबर लगी टीवी पे तो फिर ओजी ने जो है वो ओवरटेक करा और फिर अपर कैप पे जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज करा। PPL में 150 बिलियन की जो है वो पेमेंट उसको मिलने का इम्कान है, और GHPL को जो है 170 बिलियन का। अगर हम मेन मीटिंग्स को देखें तो खैर इसको हम बाद में देखते हैं। 50 लिपि के डेटा को अगर हम एनालाइज करें मेनली, तो यहाँ पे जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए मार्केट में। जो मेजर इनकी बाइंग थी, लेट्स फिल्टर आउट ना, हम मुख्तलिफ चीज़ों को नहीं देखते। मेजर बाइंग इनकी बैंकिंग सेक्टर में थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं करी, छोटी मोटी पोजिशंस ली इन्होंने बैंक्स में, सेलिंग करी सीमेंट्स में और फ्रेट्स में पोजिशंस ले रहे थे, ये थोड़ी बहुत सेलिंग उन्होंने ENP में भी करी। तो ओवरऑल को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन इनकी नहीं थी। इंडिविजुअल्स की ऑब्वियसली ना होने के बराबर पार्टिसिपेशन थी। ENP वगैरह में पोजीशंस ले रहे थे ये, सेलिंग इन्होंने करी अदर्स में और बैंक्स में। कंपनीज ने बैंक्स बेचे थे और सामने जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लिए थे। बैंक्स ने जो है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करा, इस तरीके से पार्टिसिपेट करा कि बैंक्स ने ओवरऑल अगर हम देखें तो सेलिंग ही करी। तो मेन सेलिंग जो है वो फ्रेट्स में इन्होंने करी और इसके बाद ENPs में इनकी जो है वो मेजर सेलिंग थी। तो फ्रेट्स और ENPs में इन्होंने सेलिंग करी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करा, और इन्होंने जो मेजर बाइंग वगैरह करी थी वो ENP सेक्टर में करी थी, मेनली OMCs में करी थी थोड़ी बहुत बाइंग, और सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो करी थी। तो ओवरऑल अगर हम एक्टिविटी को देखें, यहाँ पे भी कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन या मेजर पार्टिसिपेशन जो है वो अदर प्लेयर्स की तरफ से भी नजर नहीं आ रही है। मेन चीज़ यही थी कि बैंकिंग सेक्टर में चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो बैंक्स खरीदे हैं और कंपनीज जो है वो बैंक्स वगैरह बेच रही थी। उसके अलावा ENPs में हेयर एंड देयर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई है। तो ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा हमें कोई कुछ एक्सट्रैक्ट करने का नहीं है इसमें से। हाँ, सिर्फ वन मेजर पॉजिटिव जो है वो ये है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स अगेन, जो हमने देखा था कि वंस एवर सिंस इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी से, तो जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स का नंबर आना शुरू हुआ था वो थोड़ा बेहतर था। तो आज भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है डेटा में कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स आर एक्टिव इन द मार्केट राइट नाउ। सो जब तक ये खड़े हुए, आई गेस मार्केट चलती रहेगी और मार्केट अपने इस बुलिश मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यू रखेगी। चेंज ऑफ हैंड्स मेनली बैंक्स में हुआ है, तो इसको खैर हम चार्ट्स पे जाके या हीट मैप पे जाके जो है फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलहाल आज की मेजर न्यूजेस थी। बोर्ड मीटिंग्स जो आगे आने वाले टाइम में आ रही है वो PNSE की आ रही है, खैर PNSE की इनफैक्ट हो चुकी, सॉरी बिल्कुल इनफैक्ट नो, PNSE की मीटिंग नहीं आ रही है, PTC की है इनफैक्ट, टू कंसिडर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन हेलियन वगैरह की आ रही है, जहांगीर JSCL की आ रही है, लकी कोर इंडस्ट्रीज की आ रही है और सोनेरी बैंक वगैरह की आ रही है। 9 तारीख को जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस एंड ऑल। तो कोई बहुत कोई मेजर कॉर्पोरेट इवेंट, कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट किसी किसी मेजर कंपनी का कॉर्पोरेट रिजल्ट उस सेंस में नहीं है। तो
आइए, आई गेस सबसे पहले हीट मैप पे मूव करते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी हुई, किसने क्या लिया, क्या बेचा। फिर पीलीपी डेटा को देखा है हमने, अब हम चल के हीट मैप को देखते हैं। अगर आप देखें तो टेक सेक्टर में WTL, PTC और टेली ने जो है वो मार्केट में वॉल्यूम्स जनरेट किए। कॉसम में भी अच्छी एक्टिविटी हुई, काफ़ी वॉल्यूम्स हमने यहाँ पे भी देखे। तो मेन जो वॉल्यूम्स वगैरह लगे थे इसमें वो के इलेक्ट्रिक, टेली, PTC, WTL, कॉसम, इन तमाम पेनी स्टॉक्स में लगे थे। OGPPL में मेन एक्टिविटी हुई, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे। OG में ऑलमोस्ट जो है वो हमने 21 मिलियन के वॉल्यूम्स रखते हुए देखे और PPL में ऑलमोस्ट 14 मिलियन के वॉल्यूम्स रखते हुए देखे। तो जो आज मेन एक्टिविटी हुई है वो OGPPL में हुई है। यहाँ पे तो प्रॉब्ली वो ट्रेडिंग हुई है पेनी स्टॉक्स के अंदर। बैंक्स को अगर हम देखें तो आई गेस जो चेंज ऑफ हैंड्स हो सकता है वो मेनली अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स लगे हैं HPL के अंदर। उसके अलावा जो है वो बैंक सुनामी के अंदर भी डिसेंट इनफ वॉल्यूम्स लगे हैं। अगर आप इसको देखें मेनली फैसल बैंक के अंदर जो है वो गुड अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं, नेशनल बैंक के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। तो इनमें जो है वो मेनली हम ये पॉसिबिलिटी है कि चेंज ऑफ हैंड्स हुआ हो, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सामने खड़ों के लिए हों, यहाँ पे कंपनीज ने बेचे हों। तो मेनली मुझे लगता है कि HBL में एक्टिविटी हुई होगी आज, HBL के वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो आइए चार्ट्स पे मूव ऑन करते हैं, चार्ट्स पे अपना व्यू डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि मार्च के शुरुआती हिस्से में हम तो हमने ये शेयर करा था आपके साथ कि यू नो मल्टीपल चीज़ें हमें ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो मार्च का व्यू है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मार्च के व्यू को देखें तो थोड़ा 50-50 है। क्योंकि जो सीजनल्स रहे हैं, ये जो हिस्टोरिकल डेटा इंडिकेट कर रहा है कि मार्च में मार्केट पिछले 13 सालों में 6 दफ़ा पॉजिटिव रही है। तो 50-50 लाइक सिनारियो है, कोई बायसनेस नहीं है हमारी इधर कि मार्च पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पर बाय द वे इसमें यह है कि मार्च हैज़ बिन पॉजिटिव 6 आउट ऑफ 13 टाइम्स। मेनली हमने ये देखा है कि फेब्रवरी उसमें जो है वो यूजुअली नेगेटिव रहा है, जब भी मार्च पॉजिटिव रहा है। तो मतलब 3 दफ़ा हमने देखा है कि मार्च फेब्रवरी जो है वो पॉजिटिव हुआ है। तो जब 3 दफ़ा फेब्रवरी पॉजिटिव हुआ है तो उसमें से 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्च नेगेटिव हुआ है। दिस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, बट लेट्स गेट ओवर इट, अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें हमने सीजनल रमजान के सीजनल्स को भी थोड़ा बहुत इनकॉपरेट करा है, क्योंकि इस महीने के प्रॉब्ली मिड से या 11th या 12th से जो है वो रमजान भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो रमजान के सीजनल्स भी मैटर करते हैं। तो वी जस्ट यू नो हमने थोड़ा डीप डाइव करा, रमजान के डेटा को देखा कि जो रमजान के जो 29-30 दिन होते हैं उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली पिछले 13 सालों में क्या रही है। तो उसमें हमने ये फिगर आउट करा कि पिछले 13 सालों में हिस्टोरिकली रमजान के जो 30 दिन होते हैं उसमें मार्केट ने 13 में से 10 दफा जो है वो 13 सालों में से 10 दफा पॉजिटिव परफॉर्मेंस जो है वो शो करी। तो यहाँ पे थोड़ी हमें इंडिकेशन मिल रही है, ये जो बायसनेस है हमारी वो थोड़ी सी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड हो रही है। क्योंकि सिर्फ अगर हम मार्च के सीजनल्स को इनकॉर्पोरेट करें तो मार्च में मार्केट 50-50 रहती है, देयर इज नो क्लियर बायसनेस। बट अगर हम रमजान के डेटा को जो है वो एनालाइज करें तो रमजान बेसिकली रमजानों में मार्केट जो है वो पॉजिटिव रही है। तो हो सकता है मार्च हमारा इस हवाले से थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज करे। तो बाय द वे ये सिनारियो है, अभी ये था। बाय द वे हमने ऑन चार्ट्स अगर मंथली चार्ट्स के ऊपर देखें तो वो मार्केट ने जो उसका ब्रेकअप किया था, चैनल को रीटेस्ट करा था। रीटेस्ट करने के बाद एक दफा यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक दिया था, दूसरी दफा यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद इसने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी है। इनिशियल रेजिस्टेंस जो मार्केट की आ रही है वो 67,200 के लेवल्स के करीब की आ रही है। इनकेस अगर इसको ब्रीच करती भी है मार्केट तो 68,000 पे जाके फिर स्टक होती नजर आ सकती है, जो कि इसके चैनल का टॉप है। तो वी हैव टू रेजिस्टेंस हियर। फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइज मेनली नियर इट्स प्रीवियस हाई ऑफ 67,200, और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो जो चैनल का टॉप आ रहा है वो 68,000 के लेवल्स के करीब आ रहा है। तो सेकंड मेजर रेजिस्टेंस हमारी वहाँ पे लाई कर रही है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू ये है कि थोड़ी बहुत एक्सटेंशन हो सकती है इस बुलिश रैली की, मार्केट इसको अप्रोच कर सकती है, और अगर ब्रेकआउट इसका होता है तो मार्केट की रैली फर्दर अप। अच्छा, बाय द वे अगर हम KC 100 के 1 आवर चार्ट को देखें तो 1 आवर चार्ट पे हमारा व्यू फिलहाल ये बन रहा था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट का, यहाँ पे जो हम देख रहे थे मंथली में, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, मार्केट हैज बीन मेकिंग हायर हाइज एंड हाई लोस। तो ओवरऑल ट्रेंड लॉन्ग रन का है वो इंटैक्ट है, वो बुलिश है। पर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर फॉर सम टाइम हमने नोटिस करा कि डबल टॉप, एवर सिंस डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई मार्केट ने एक नया लो लगाया था यहाँ पे। तो वहां से अभी मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर वो थोड़ा बेरिश हो गया था। उस बेरिश स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिली इस बॉटम आउट वाले लेवल से, जहाँ पे मार्केट ने बॉटम आउट करा, वहां से फिर एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स द अपसाइड हमें नजर आई। तो बाय द वे ये सिनारियो था KC 100 में। अब बेसिकली ये है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर है वो भी बुलिश हो गया इसका, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपनी बुलिश रैली को एक्सटेंड करते हुए क्लोज करा है 66,000 के लेवल्स पे फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये लेवल वी हैव बीन शेयरिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। 65,350 का लेवल हम शेयर कर रहे थे आपके साथ कि अगर इन केस ये ब्रेक होता है तो मार्केट इसके ऊपर काफी बुलिश लगती है, क्योंकि फिर ये रेंज थोड़ी क्लीन है 1,500 से 2,000 पॉइंट्स की। तो अभी भी फिलहाल यही व्यू बन रहा है, और लगता है ऐसा है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, और जो कि कर दिया है इसने, तो इस बुलिश रैली की एक्सटेंशन हो सकती है, और मार्केट के इनिशियली टेस्ट
67,100 के लेवल्स, ये जो है मार्केट का इनिशियल टारगेट रहेगा। इन केस अगर इसको ब्रीच कर भी आती है तो जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन डे चार्ट पे मूव ऑन करते हैं तो जो जो हमारी बेसिकली अगर इन केसेस रैली की एक्सटेंशन होती भी है तो जो हमारे चैनल का टॉप आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 67,700 के करीब। तो ये हमारा जो है प्रॉब्ली सेकंड टारगेट होगा। पहली स्क्रिप्ट हमारी जो यहाँ पर है वो एसएनजीपी है। एसएनजीपी का चार्ट हमने कल भी आपके साथ डिस्कस करा था, हम इसको फर्दर रिशेयर कर रहे हैं। इसमें बाय द वे हुआ क्या है कि ओवरऑल ट्रेंड जो इसका है ना, अगर हम स्टोरी बिल्ड करें ना तो ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है वो बुलिश है। तो हमने ये देखा कि जब इसने बॉटम लगाया, बॉटम आउट करा अपने आप को और इस रैली की शुरुआत करी तो बहुत सीधी रैली बनी इसके अंदर, और इसने हाई लगाया उसके बाद 80 का, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने बॉटम से। 40 से 80 की जो है वो इसकी मूव थी, डबल हो गया। डबल होने के बाद इसने रिट्रेस करा 50%, 50% इसने रिट्रेस करा, विच इज बाय द वे अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट। वीकली पर अगर आप देखेंगे तो क्लैरिटी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। तो 50% इसने जो है वो रिट्रेस करा है, और 50 ये एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन इसलिए भी बन गया क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल का रिटेस्ट भी आ रहा था। तो रिटेस्ट इसने करा, फिर एक अच्छी बुलिश कॉन्फर्मेशन आई जहाँ पे इसने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पोस्ट करा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके साथ जो है इसने एक अपसाइड दिखाई। तो पिछले 2 हफ्ते हमने देखा कि एक हफ्ता रेंज बन रहा, दूसरा हफ्ता भी सॉर्ट ऑफ अभी पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ है, पर लगता ही है कि इस बुलिश रैली की जो है वो फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है। अब इसमें जो एक पिवट लेवल हमने आइडेंटिफाई करा है बाय द वे, वो आइडेंटिफाई करा है ऑलमोस्ट 70 के करीब का। ये अगर ब्रेक होता है तो ये जो रैली है हमारी ओवरऑल इसकी एक्सटेंशन नजर आ सकती है, ये फर्दर एक्सटेंड होती नजर आ सकती है। टारगेट्स इसके इवेंचुअली जो है वो 80-81 के करीब हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस इसका आप छोटा सा रख सकते हैं, मे बी बिलो 61.8% प्लेसमेंट लेवल, 38.2% प्लेसमेंट लेवल, जो भी आप चाहते हैं रख ले। तो 63-64 का जो है वो आप ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाय द वे अब इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी क्रिएट हो रही है बेयरिश एबीसी डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन की। तो उसमें अगर हम इसको एबी की लेग कंसिडर करते हैं तो एंड वी एज्यूम कि इफ एबी इज इक्वल्स टू सीडी, तो इस हिसाब से इसका जो लॉन्ग रन का टारगेट निकल रहा है 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वो निकल रहा है 100 रुपए का। तो फिलहाल अभी ये तो टारगेट सेट नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 60-70 लेवल्स को ब्रीच करता है ना तो जो रिटेल ट्रेडर्स है ना हमारे वो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 75 to 76 एंड फॉलोड बाय 79 to 80। तो एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई जो है वो हमें यहाँ से नजर आ सकती है। दूसरा स्टॉक जो हमारा मेनली है वो पीएसओ है। पीएसओ की अगर हम बात करें तो पीएसओ में जो है वो बुलिश एबीसीडी की फॉर्मेशन हुई थी, ये एबी वाली लेग थी, इसने रिट्रेस करा, रिट्रेस करके ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करा, 60% रिट्रेस करा, अपनी अपनी लेग को जो है वो कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करके इसने जब कंप्लीट करी एबीसीडी फॉर्मेशन को तो एग्जैक्टली इन लेवल से जो है वो हमें रिवर्सल भी नजर आया, रिवर्सल नजर आया, इसने पिकअप लिया। अच्छा यहाँ पे अब हमने कल जो चीज शेयर करी थी वो ये करी थी कि चैनल के को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज करा है, उसके साथ साथ इसने जो है वो अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी कभी ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे फिलहाल अभी व्यू बुलिश बन रहा है, और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट हमारा निकल रहा है वो निकल रहा है कि इन केस अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से आता है फर्दर तो ये ऑलमोस्ट 196 से 197 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो ये ओवरऑल हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है। बट हैविंग सेड दैट, ये तो थियोरेटिकल टारगेट्स होते हैं ना, मार्केट में आपको फिर बहुत सारी चीजों को देखना होता है, रेजिस्टेंसेस वगैरह को भी देखना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है अपनी वॉकिंग में। इनिशियल रेजिस्टेंस हमारी 174 पे आ रही है, ये ब्रेक होती है तो फिर ये अपनी रैली को एक्सटेंड करके 185-186 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इवेंचुअली जो हमारे अगले टारगेट्स होंगे बाय द वे वो 194 से 195 के होंगे, जो कि बाय द वे हमारा हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर के भी टारगेट्स होंगे। तो फिलहाल पीएसओ ऑन चार्ट्स लुक्स गुड स्टिल, इनिशियल रेजिस्टेंस, हैविंग सेड दैट द नेगेटिव थिंग इज के इनिशियल रेजिस्टेंस 174 आ रही है, ये ब्रेक होती है फिर 185 to 186 के लेवल से हम इसको मूव करते हुए देख सकते हैं। स्टॉक जो हमारा है वो मीजान है। मीजान हैज बीन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड दिस असेंडिंग चैनल, ब्रेकआउट इसका 175 पे हुआ जहां पे इसने अपनी की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देते हुए अपनी रैली को एक्सटेंड करा। अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन थी प्लस दूसरा जो है ना एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन थी। कंसोलिडेशन बाय द वे आपको ये बता दी है कि एक बड़ी मूव बनने वाली है, और हार्मोनिक्स जैसे एबीसीडी पैटर्न है वो आपको ये बताते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या होंगी, क्या टारगेट्स हो सकते हैं इस पॉसिबल रैली के। तो एबीसीडी पैटर्न ने ये बताया कि 206 से लेकर 207 के लेवल्स पे टारगेट कर सकता है, एज्यूमिंग के वो जो एबी वाली लेग है वो सीडी वाली लेग के बराबर होगी। तो हमने ये देखा कि ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे जो है वो एंट्री ली और टारगेट्स वगैरह प्लेस करे 206-207 पे। इन केस अगर ये हिट हो जाता है
तो फिर ये रैली फिर एक्सटेंड हो सकती है, और फिर इवेंचुअली हमें ये असेंडिंग चैनल ऊपर की तरफ टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 210 से 211 के लेवल्स होंगे। तो ओवरऑल व्यू इन मीजान एज वेल एज बुलिश स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें वीकली के ऊपर, इवन डेली के ऊपर, तो वो बुलिश ही है, वो इंटैक्ट है, तो तेजी का रुझान बरकरार है। आई गेस फर्दर इसके अंदर अगर करेक्शन वगैरह मिलती है तो इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस टू एक्यूमुलेट, एक अच्छी अपसाइड यहाँ से भी हमें नजर आ सकती है इसमें। अगला स्टॉक जो है वो एच कार है। ऑटो सेक्टर में जो है वो अभी हम एच कार को जो है वो अगर हम एनालिसिस करें, हमने एनालिसिस करा है तो एच कार में बाय द वे अगर आप देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है अभी इस टाइम पे। ओवरऑल ऑटो सेक्टर इज परफॉर्म सिग्निफिकेंटली वेल हियर। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो हायर लो के बाद इसने हायर हाई लगाया, और फिर ये जो नीचे की तरफ आया ऑलमोस्ट अगर आप देखें अपने हाई से 50% रिट्रेस करने के बाद इसने रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी है। अब इसका जो पिवोटल लेवल आ रहा है, इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक 233 to 234, ये पिवोटल लेवल आ रहा है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो इनिशियली इट कैन टेस्ट, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है ओवरऑल, अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ, इसको टेस्ट कर सकता है ऑलमोस्ट 263 to 264 के लेवल्स के एरिया। तो पिवोटल लेवल ये है, इन केस अगर ब्रेकआउट होता है तो यू कैन लुक फॉर पोटेंशियल स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनिशियल टारगेट ऑफ 263 to 264, फॉलोड बाय दैट वी हैव अ रेजिस्टेंस टू एट 278, फॉलोड बाय दैट वी हैव अ रेजिस्टेंस एट 298। तो ये हमारे जो है वो इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। सपोर्ट सपोर्ट के तौर पे वी हैव इनिशियल सपोर्ट नियर 195 to 196। एबीसीडी पैटर्न की भी फॉर्मेशन है इसमें, क्योंकि इसने ये हाई लगाने के बाद 50% रिट्रेस करा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा और सीडी वाली लेग को कंप्लीट करेगा। वो अगर करता है तो इसके पोटेंशियल टारगेट्स, ये प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो निकल रहे हैं वो 374 से लेके 375 तक के निकल रहे हैं। तो फिलहाल एच कार ऑन चार्ट्स आल्सो लुक्स गुड, डिपेंडिंग अपॉन अगर इसका ब्रेकआउट होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो फिर इस रैली को हम फर्दर एक्सटेंड करते हुए देख सकते हैं फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 264। आखिरी स्टॉक जो हमारा है वो फौजी फर्टिलाइजर का है। फौजी फर्टिलाइजर को अगर आप देखें तो फौजी फर्टिलाइजर हैज बिन एक्यूमुलेटिंग इनसाइड दिस ट्राइंगल पैटर्न, और इन केस अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो, इन केस अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो, और इनिशियल रेजिस्टेंस 120 to 123 ब्रेक हो जाती है तो इट कैन इनिशियली टेस्ट 129 to 130, एंड देन अगर इस रैली की फर्दर एक्सटेंशन होती है तो 145 से 147 के इसके टारगेट्स निकलते हैं, क्योंकि आई गेस इसमें भी एबीसीडी पैटर्न की फॉर्मेशन है। अगर आप देखें ये ए बी वाली रह गए और इसने एक्यूमुलेट करा, कंसोलिडेट करा और यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो एबीसीडी का टारगेट निकलेंगे 139 to 140। अगर आप ओवरऑल देखें तो सिंस बॉटम टिल हाइट इट हैज कम्प्लीटेड इट्स रिट्रेसमेंट विद 30.2%, सो इट्स अ गुड सेटअप टू ट्रेड ऑन। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छी मूव टुवर्ड्स द अपसाइड जो है नजर आ सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग अकाउंट विद अस, और आप हमारी हमारे सिग्नल्स के साथ हमारी हमारी गाइडेंस के अंडर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन करा गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।